इन लोगों से गलती से ये टब नीचे गिर जाता है, जिस कारण जलपरी बाहर आ जाती है और फिर धीरे धीरे उसका शरीर एक औरत के रूप में बदल जाता है। फिर ये सारे लोग उसे भूखे भेड़िए की तरह घूरने लगते हैं, लेकिन तभी उनमें से ये लड़का अपना शर्ट निकालकर इस जलपरी को पहना देता है। फिर इनका सरदार जलपरी को कहता है कि तुम्हें अब चलना होगा, लेकिन वो जलपरी एक कदम चलते ही नीचे गिर जाती है। फिर सरदार इसे मारने के लिए बोल देता है, लेकिन तभी लड़का उसे उसका हाथ अपने कंधे पर रखने के लिए बोलता है और उसे गोद में उठाकर चलने लगता है। अब कुछ देर बाद वे लोग एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। फिर लड़का उस जलपरी की चमके तारीफ करने लगता है, जिससे जलपरी उसकी मीठी मीठी बातों में पिघल जाती है। फिर इनका सरदार इस जलपरी को जानवर कहकर बुलाता है। तभी ये लड़का कहता है कि ये जानवर नहीं, इसका नाम सीरीना है। जिसके बाद ये लोग इसको एक जगह पर बांध देते हैं और इसके आंसुओं के लिए इसे पीटने लगते हैं। तभी ये लड़का इसे बचाने के लिए अपने सरदार से लड़ने लगता है, जिस कारण सरदार बोलता है, साले गद्दारी कर बे, तुम इस जलपरी से प्यार करने लगे हो। फिर ये लोग इस लड़के को पकड़ लेते हैं और जलपरी को इसकी जान के बदले आंसू बहाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है, जिस कारण वे लोग इसके आशिक को मार देते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने आंसू नहीं बहाती है।